आपको कभी कभी लगे कि मेरे ऊपर पितरों का पितृ दोष लगा हुआ है या पितरों का श्राप लगा हुआ है? एक चावल की कटोरी में, कटोरी के अंदर थोड़ा सा चावल रख लीजिए कच्चा। उस चावल की कटोरी में एक बेलपत्र, थोड़ी सी दुर्वा बांधकर पानी का मटका, परिंडा या जहां अपना रसोई घर में जल रखते हो, उस कटोरी को वहां पर 2 दिन 3 दिन तक रख दो। वैसे तो 16 दिन रखो ज्यादा अच्छा था, पर जो दिन अपने को मालूम है 2-3 दिन उसको रख दीजिए। घी का दिया लगाइए, 3 दिन के बाद में उस दुर्वा को, उस बेलपत्र को शिव बाबा को ले जाकर समर्पित कर दो। चावल पूरे घर में घुमाने के बाद चिड़िया को या नदी में या किसी जीव को प्रदान कर दो। महाराज, पितृदोष के निवारण का सुंदर तरीका, ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर के पितृ श्राद्ध पक्ष में पृथ्वी पर नहीं आते। तुम पूछो मत पूछो, तुम्हारे घर के पूर्वज तुम्हारे यहां जरूर आते। दरवाजे पर आकर खड़े होते हैं पितृ, दरवाजे पर आकर हमारे घर के पितृ खड़े होते हैं, स्मरण करते हैं कि हमको यहां से कुछ भाग प्राप्त होगा, कुछ मिल जाए। रात्रि को जब आप सोने के बाद में 1-1.5 घंटे बाद अगर आपकी नींद खुल जाए, 1 घंटा 1.5 घंटा आप सो लिए, उसके बाद जो नींद खुली तो 1-1.5 घंटे तक अगर आपको नींद नहीं आ रही है, रात्रि को सोने के बाद में 1 घंटे बाद जब उठे तो आपको प्यास लग गई, भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी कि मेरे को पानी पीना पड़ेगा, घबराहट हो रही, पानी पीना पड़ेगा, 1-1.5 घंटे सोने के बाद अचानक नींद खुले और आपको प्यास लगे, समझ लेना आपके पितृ भूखे हैं और प्यासे हैं। किसी भी नदी में, सरोवर में, कुंड में, बावड़ी में, तालाब में, आप तीर्थ में जाकर जब स्नान करते हैं तो स्नान करने के बाद एक काम का नियम बना लो कि अपने हाथ की अंजलि में जल लेकर अपने पूर्वजों को देना है। प्यासे रहते हैं, भाग मांगते हैं। 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं, पहला पीपल, दूसरा बट वृक्ष, तीसरा बेल पत्र का वृक्ष, ये पितरों के तुल्य हैं। अगर आपको रात्रि में नींद नहीं आ रही है, ऐसा लगता है कि रात्रि को 1 घंटा 1.5 घंटा सोने के बाद कुछ गलत गलत विचार आने लगते हैं, नींद सुबह 3 बजे तक 4 बजे तक नहीं आती, 4 बजे के बाद फिर नींद आती है, तो एक प्रैक्टिकल जरूर कर कर देखना। एक प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, प्रयास करने में क्या कुछ जाता है क्या? प्रैक्टिकल कर कर देखना कि कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, तो प्रैक्टिकल करने में कुछ नहीं जाए। 1 लोटा पानी लो, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिए, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, बेलपत्री का पेड़ या पीपल का पेड़ या बट का पेड़, इन पेड़ के नीचे ले जाकर उस दूध को दोपहर में सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में ले जाकर चढ़ा दीजिए। रात्रि को फिर ना आपको प्यास लगेगी ना भूख लगेगी, नींद एक बार लगी तो सुबह ही खुलेगी। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है? दो दोष नहीं होते घर में, एक पितृ दोष, दूसरा वास्तु दोष। होता था क्या पहले घरों में? दो दोष नहीं होते थे, ना पितृ दोष होता था ना वास्तु दोष होता था। आज के जमाने में लोग मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं तो वास्तु शास्त्री को बुलाते हैं, नक्शा बनवाते समय कहते हैं वास्तु के हिसाब से मकान बनाना, वास्तु के हिसाब से घर बनाना। तो पहले के जमाने में तो लोग मकान बनाते हैं, जिसका मन होता था, पिताजी का मन होता, यहाँ बाथरूम बना दो वहाँ बाथरूम बना दी, यहाँ पर ये बना दो हॉल बना दो वहाँ हॉल बना दिया, जहाँ रसोई घर बनाना है वहाँ रसोई घर बना दिया। पिता का मन, घर के लोगों का मन, बुजुर्ग का मन वहाँ बना देते थे। पर आज के जमाने में मकान पूछ पूछ कर बनाया तो भी घर में रत्ती भर की शांति नहीं, घर में रत्ती भर की लक्ष्मी नहीं, घर में रत्ती भर का सुकून नहीं। घर से बाहर रहती शांति रहती, घर की जैसी अंदर घुसी वैसी अशांति चालू। फिर किसी को बुलाया, हमारे घर में क्या हो गया? वास्तु दोष, पितृ दोष। पहले के जमाने में दो दोष नहीं होते थे, ना पितृ दोष होता था ना वास्तु दोष होता था। क्यों? क्योंकि घर के लोग घर के मटके में से, हंडे में से, परिंडे में से, मटके में से पानी लेते थे,
और पानी ले जाकर अपने घर में से लेकर जाकर शंकर को चढ़ाते थे। तो घर का जो मटका होता है, पानी भरने का जो मटका पात्र होता है, वो पितरों का स्थान होता है। और घर में से जब पानी लेकर जाते थे तो पूरे घर का वास्तु दोष उस पानी के अंदर जाता था, और घर के मटके में से पानी ले जाते थे तो पितृदोष उसमें समाहित होकर चला जाता था। शंकर को चढ़ाने से वास्तु दोष और पितृदोष दोनों समाप्त हो जाता था महाराज दोनों। अब आज के जमाने में घर का पानी कोई चढ़ाता ही नहीं है, इसलिए घर में दोनों दोष। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, आपका वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, पितृपक्ष मतलब कि श्राद्ध पक्ष का आरंभ हो गया है। पितृपक्ष के कुछ उपाय जो गुरुजी ने बताए हैं कि आप पितृपक्ष में यह उपाय कर सकते हैं, और यदि आपको नहीं पता है कि आपको पितृदोष है या नहीं तो उसके लक्षण भी बताए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और यदि आपको उपाय में कोई भी समस्या आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला उपाय पितृदोष से मुक्ति के लिए है। इसके लिए आपको एक कटोरी में चावल लेना है और उसके ऊपर एक बेलपत्र रख लेना है और थोड़ी सी दुर्वा भी रख लेना है। फिर जहां आपका पानी का मटका या आप जहां पानी भर कर रखते हैं खुद के लिए पीने के लिए, वहां वह कटोरी रख दें। यह कार्य आप 16 दिन तक भी कर सकते हैं, और यदि आप 16 दिन नहीं कर पा रहे हैं तो वह कटोरी 3 दिन तक रखी रहने दें। जितने दिन आप वह कटोरी वहां रखी रहने देंगे उतने ही दिन आपको घी का दिया भी लगाना है। उसके बाद उस कटोरी को उठाकर उसमें से जो बेलपत्र और दुर्वा है वह महादेव को समर्पित कर दें, और जो चावल हैं उसे आप पूरे घर में घुमाकर किसी भी पेड़ बरगद पीपल या बेलपत्र के पेड़ के नीचे डालाएं, आपको पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। दूसरे उपाय में पितृदोष के लक्षण बताए गए हैं। यदि आपको आधी रात में प्यास लगे, नींद में से उठकर प्यास लगे, बेचैनी हो, तो हो सकता है कि आपके पितृ भूखे हों, तो आप यह एक कार्य कर सकते हैं। आप यदि किसी भी नदी तालाब या सरोवर में नहाने जाएं, तो नहाने के बाद अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर पितरों को समर्पित कर दें। इससे उन्हें शांति मिलेगी तथा उनकी प्यास भी बुझ जाएगी। तीसरा उपाय, आपको रात में नींद नहीं आती है या अचानक नींद खुल जाती है फिर नींद नहीं लगती है, तो आप श्राद्ध पक्ष में यह एक कार्य कर सकते हैं। आपको एक लोटा जल लेना है, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर मिला लेना है। फिर किसी भी पीपल के पेड़ या बरगद के पेड़ या बेलपत्र के पेड़, इन तीनों पेड़ में से किसी भी पेड़ के पास जाएं और उस दूध से भरे जल को डाल दें। यह कार्य आपको सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच ही करना है। यह कार्य आप 16 श्राद्ध में किसी भी एक दिन कर सकते हैं, आपके सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। हम आशा करते हैं आपको यह छोटे छोटे उपाय समझ आ गए होंगे। यदि उपाय में कोई भी समस्या आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसी ही वीडियो देखने व सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।